नमस्कार दोस्तों दोस्तों अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते ही हनुमान जी के मंदिर में चले गए माथा टेकने। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल पंजाब में बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह की तस्वीर लगाकर जाट और जाटो समाज का वोट बटोर लिया। लेकिन एक बार भी इसने बाबा साहब का नाम नहीं लिया और ना ही भगत सिंह का नाम लिया। खैर मैं बता दूं कि आरक्षण विरोधी अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं और नए मुख्यमंत्री के लिए आम आदमी पार्टी में गहन चिंतन और मनन चल रही है। मीटिंग में 99% सवर लोग हैं और यही नेता नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे यानी नए मुख्यमंत्री तय करेंगे। दोस्तों आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र सवर्णवादी और आरक्षण विरोधी है। पार्टी का पूरा इकोसिस्टम ओबीसी एससी एसटी विरोधी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी में दलित नेताओं का अकाल पड़ा हुआ है। एक वाल्मीकि समाज का नेता था भी तो उसका सेक्स स्कैंडल में नाम आते ही बिना जांच पड़ताल का अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा मांग लिया और राजेंद्र पाल गौतम का तो जबरन इस्तीफा ले ही लिया, आप सभी जानते हो। दोस्तों पार्टी में अब केवल एक दलित महिला नेता बची है जिनका नाम है राखी बिड़लान। दोस्तों आम आदमी पार्टी के स्थापना के वक्त यह एक काफी चर्चित चेहरा हुआ करती थी, एक स्टार प्रचारक हुआ करती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इन्हें दिल्ली विधानसभा का स्पीकर बनाकर इनके राजनीतिक करियर को कमजोर कर दिया यानी खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश कर लिया है। खैर बहुत सारे लोगों का कहना है कि राखी बिड़लान को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि वो एक बहुजन की बेटी है, साथ ही साथ उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की पूरी काबिलियत है, साथ में क्षमता भी है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी के सवर्णवादी नेता अतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुहर लगा दिया है। लेकिन अतिशी मरलेना कितनी बड़ी नेता है और कितनी बड़ी ये चर्चित है। दोस्तों मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में राखी बिड़लान एक चर्चित चेहरा हुआ करती थी और पार्टी का एक सबसे बड़ी महिला नेता हुआ करती थी। लेकिन अब इनको शायद इनके कष्ट के वजह से या पक्षपात की वजह से इन सवर्णवादी नेताओं ने इनको अलग कर दिया है। अब अतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वही सवर्णवादी नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी है। लेकिन वहीं दलित समाज के लोगों का कहना है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली की पहली सवर्ण महिला मुख्यमंत्री मिली है।